हेलो नमस्ते, आज मैं आपको बिल बॉटम ट्राउज़र पैंट बताने वाली हूँ। और ये प्लेन पैंट का कपड़ा है और सूट जो सेट आता है वो है, इसी में से मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्राउज़र कैसे बनाएं। एक्चुअली अभी रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत सारे लोग ईद की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, अपना जोड़ा बनाएंगे। अभी तो सारे फेस्टिवल की प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे होंगे, पर जो भी आपके पास है उसमें से आप कुछ अच्छा बनाना चाहेंगे तो मैंने सोचा कि मैं एक बेल बॉटम वाला ट्राउज़र शेयर करूं, शायद आप बनाना चाहो, आपके काम का हो। और ये बहुत फैशन में है, कोई भी बनाए कोई भी पहने, बहुत अच्छा लगता है। तो ये पहले मैं आपके साथ ट्राउज़र शेयर करूंगी, उसके बाद जो इसके साथ कुर्ती की सेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये 2.5 मीटर का कपड़ा है इस, और इसके सबसे पहले दो पार्ट्स में हम कट कर लेंगे इसको। जो पूरा फैब्रिक है उसको देख सकते हैं आप, हमने बराबर बराबर दो पार्ट्स में कट कर लिया। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे, देन बैक का कट करेंगे। और कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं मेजरमेंट बताती हूँ। टोटल लेंथ 37 इंच है इसमें, और जिसमें 1.5 इंच की बेल्ट होगी और 35.5 या 36 इंच की नीचे बॉटम वाला एरिया हम लेंगे। तो आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख लीजिएगा। उसके बाद वेस्ट के बारे में बता देती हूँ। वेस्ट है 40, एक्स्ट्रा हम 4 इंच उसमें ऐड करेंगे तो 44 होगा, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 होगा। वेस्ट में प्लाजो में हमेशा वेस्ट इज इक्वल टू हिप राउंड होता है, तो आप अपना हिप राउंड लीजिएगा। और जो क्रॉच है वो भी सेम मतलब होता है कि हिप राउंड डिवाइडेड बाय 3, वेस्ट होता है डिवाइडेड बाय 4, क्रॉच होता है डिवाइडेड बाय 3, सेम थिंग को करना है। तो 40 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 13.3 आएगा, राउंड फिगर मान लीजिए 13.5, जिसमें से 1.5 इंच बेल्ट होगी और नीचे 12 इंच का क्रॉच मार्क होगा। जब मैं करूँगी तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारे मेजरमेंट्स हैं, और अब चलिए हम इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले एक पल्ला लेंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम बिछा लेंगे। अब हम फ्रंट वाला पल्ला कट करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करके पूरा कपड़े को आप बिछा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम इस फैब्रिक की लेंथ निकालेंगे, जो कि मैंने लेंथ आपको बताई थी, उसके अकॉर्डिंग ऊपर 1.5 इंच हम बेल्ट लगाएंगे। तो उसको छोड़ के नीचे जो 35.5 इंच मैंने बोला था उस पर हम मार्क कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन 1/2 इंच रख लें अगर आप चाहें तो। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे फैब्रिक की लेंथ हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जब आप अपने फैब्रिक का लेंथ निकाल लें तो इस फैब्रिक का सेंटर मार्क करेंगे हम। तो इस तरीके से आप इस चौड़ाई का, जो फैब्रिक की चौड़ाई है उसका सेंटर मार्क करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 25 इंच का लगभग है, तो इसका सेंटर लगभग 12.5 पे होगा, तो यहाँ मार्क कर लेंगे। सेम चीज़ हम नीचे भी जा करके इसका मार्क कर लेंगे 12.5 इंच पे। ये बहुत ज़रूरी है आपके फैब्रिक का सेंटर पार्ट निकालना। तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। अब इन दोनों मार्क को हम सिंपली एक दूसरे के साथ मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी से एक अच्छा आपका बेल बॉटम वाला ट्राउज़र कटेगा। तो इसी सेंटर पॉइंट को सेंटर मान के हम अपनी मार्किंग शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था वेस्ट 11 इंच है, तो 11 को 1/2 डिवाइड कर देंगे तो 5.5 होगा। तो इस सेंटर के एक तरफ 5.5, दूसरी तरफ 5.5 हम मार्क करेंगे, मिला के 11 इंच ही होगा, पर ये मार्क करने का एक तरीका है। तो 5.5 इस तरफ हम करेंगे सेंटर के, और फिर अगेन 5.5 दूसरी साइड में करेंगे। होगी वही बात, पर थोड़ा इस तरीके से कट करेंगे जिससे हमारा बेल बॉटम का लुक है। तो ये अब उसके बाद हम अपना क्रॉच मार्क करेंगे। तो 1.5 इंच तो ऊपर हमारी बेल्ट लगेगी और 12 इंच पे हम मार्क करेंगे यहाँ पे, और ये एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे।
उसके बाद जहाँ हमने क्रॉस मार्क किया था वहाँ से भी 5.5 दोनों तरफ हम मार्क कर लेंगे, जिससे इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींच सकें। अब इधर वाले पार्ट को हम थोड़ा सा कर्व देते हुए मिला लें, या आप चाहें तो स्केल से सीधा स्ट्रेट भी कर सकते हैं, इतनी कोई बात नहीं है। और इधर हम गोलाई देंगे आसन की, तो इधर हम स्ट्रेट करके जैसे बॉक्स बनाते हैं प्लाजो कट करते समय वैसे करेंगे। अब जो आसन की गोलाई है उसको हम कर लेंगे। तो यहाँ से लगभग मैं 2.5 मतलब 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि जब हम बैक का कट करेंगे तो वहाँ और बढ़ाएंगे, तो फर्स्ट वाले में 2.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। और इस तरह फ्री हैंड ही हम गोलाई दे देंगे। तो ये ऊपर के पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब जो नीचे का है जिससे बेल बॉटम का एक हम शेप देंगे, उसके लिए थोड़े से और मेजरमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले वो देख लीजिए, फिर उसके आगे की हम मार्किंग कैसे करेंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जो नी का पॉइंट मैं ले रही हूँ अपने अकॉर्डिंग, वो 19 इंच है, जिसमें 1.5 बेल्ट होगा। उसके बाद नीचे वाले पार्ट में 17.5 मार्क करेंगे। जो नी राउंड है वो 20 में ले रही हूँ, रिलैक्स फिट ले रही हूँ। वैसे बेल बॉटम एकदम फिटेड होता है, मैं पर मैं थोड़ा ढीला फिट रख रही हूँ। और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसलिए क्योंकि एक बार में हम एक पल्ले कट कर रहे हैं और एक पल्ले में 2 होते हैं, एक साइड में 2 होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो मतलब नी राउंड जो है वो मेरा 10 होगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। मोहरी को भी सेम, मैं 32 इंच रख रही हूँ, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। तो नी राउंड और मोहरी जो भी है दोनों को 2 से डिवाइड करिएगा याद से। तो अब हम अपना आगे का काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, नी राउंड हम 17.5 पे मार्क करेंगे, तो यहाँ हम मार्क कर लेते हैं। आप अपनी ज़्यादा कम ज़्यादा अपनी हाइट और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। तो यहाँ हमने मार्क कर लिया 17.5 पे, और एक यहाँ फिर से स्ट्रेट लाइन हम कर लेंगे। अब हम यहाँ नी राउंड मार्क करेंगे, जो कि मैंने बताया था मेरे मेजरमेंट में 10 आया था। तो सेम वही वेस्ट वाला प्रोसेस हम करेंगे, 10 मतलब 5 इंच इधर और 5 इंच उधर कर लेंगे, सेंटर को हम सेंटर मान के। तो 5 इंच 5 इंच हमने दोनों तरफ मार्क कर लिया। अगर आप फिटेड चाहते हैं इसको तो आप 18 रख लीजिएगा। वैसे सबके पैर थाइस अलग होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, फिटेड रखिए या रिलैक्स फिट रखिए, आपकी मर्जी है। उसके बाद हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो जैसा कि मोहरी भी 16 इंच था, तो सेम उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 8 8 इंच, सेंटर को मान करके 8 इंच इधर मार्क करेंगे, 8 8 इंच उधर मार्क करेंगे। ये प्रोसेस आपको हर मार्किंग में यूज़ करना है, सेंटर को सेंटर मान के दोनों तरफ इस तरीके से मार्क करना है। तो ये लगभग हमारी सारी मार्किंग हो गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, अच्छे समझ में आ गया। अब इन पॉइंट्स को हम चाहे तो फ्री हैंड चाहे तो स्केल से मिला लेंगे। तो इधर थोड़ा सा गोलाई दे देंगे, उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट हम मिला देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा बेल बॉटम का एक सकल एक हो गया है, दिख रहा है आपको। जो नी राउंड है वो मैंने अच्छा रिलैक्स फिट रखा है, आप चाहें तो और फिटेड कर लें। ये मैं बार बार बोल रही हूँ सॉरी, पर मैं बताने के लिए, आप चाहो तो आप इसको फिटेड रख लेना। तो ये हमारे फ्रंट पल्ले की मार्किंग हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा स्टिचिंग के लिए मार्जिन रख लेंगे, 1/2 इंच अंदाजे से। और अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट के दोनों पल्लों की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम सेम जो आधा बचा हुआ कपड़ा है उसको इसी तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे, इस तरीके से जैसे हमने पहले किया था। अब हम इस पे अपना जो फ्रंट वाला हमने कट कर लिया उसको लाके बिछाएंगे। और ये वाला कट करना बहुत आसान है बैक वाला, तो जो हमने फ्रंट के पल्ले कट करके रख लिए हैं उनको लाके इस पे हम एडजस्ट करेंगे।
इस तरीके से। तो लेंथ मैंने पहले से कट कर ली है जितना इसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और देखिए नीचे और ऊपर बिल्कुल बराबर है। मैं ऊपर भी लेंथ नहीं एक्स्ट्रा दूंगी जैसे बहुत सारे लोग बैक में देते हैं, पर मुझे नहीं पसंद है। मैं बस साइड में थोड़ा सा बढ़ाती हूँ। अगर आप मेरे प्लाजो देखते हो तो आपको पता है कि मैं ऊपर कभी नहीं बढ़ाती हूँ, बस साइड में बढ़ा देने से काम हो जाता तो मुझे लगता है कि उतना टेक्निकल क्यों जाना, फालतू में झंझट क्यों बढ़ाना जब काम आसानी से हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती हो, वैसा ही लुक आता है। तो इस तरीके से हम ऊपर नीचे कुछ नहीं बढ़ाएंगे, बस साइड से 1-1 इंच बढ़ा देंगे। अब इन पॉइंट्स को जोड़ के सेम हमें कर्व बना लेंगे और नीचे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, और बस ये हमारे बैक के पल्ले की कटिंग हो चुकी है। बस इतना सा हमें बैक के पल्ले में बढ़ाना था और सब कुछ एग्जैक्ट रखेंगे और कट कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारे प्लाजो का आगे पीछे का सारा पल्ला कट गया, अब इसमें हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं डबल फोल्ड में है और ये साइड से जोड़ के हम लगाएंगे जैसे बाद में। तो ये हमने बेल्ट लगभग 46 इंच का इस तरीके से, 4 इंच है लगभग, जब ये डबल फोल्ड होगा तो 1.5-2.5 इंच का, ये 1.5 इंच का बनेगा हमारा बेल्ट इस तरीके से। और इसका ये देख सकते हैं ये लगभग 23, मतलब डबल फोल्ड में, तो मतलब कि ये 46 इंच का है क्योंकि हमने बैक में 1-1 इंच बढ़ाया है। तो इस चीज़ का जब बेल्ट कट करिएगा तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हमने बैक में 1-1 इंच बढ़ाया है, या फिर जब आप बाद में चाहें तो सिल लें, नाप के फिर वेस्ट को अपना बेल्ट कट करें। तो इस तरीके से हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। हम अब सिलाई की तो तरफ देख जाएंगे। सकते हैं सिलाई जो बहुत आगे का आसान है, पल्ला है हम दोनों वो पल्लों को दोनों ले एक साथ हम सिल लेंगे, और जो बैक वाला दोनों पल्ला है उन दोनों को हम साथ में एक साथ जोड़ लेंगे। तो ये दोनों काम करने के बाद में देखिए इस तरीके से हो जाएगा, आगे के दोनों पल्ले एक साथ जुड़ गए हैं, बैक के दोनों पल्ले एक साथ जुड़ गए हैं। अब इनको हम साइड से जोड़ेंगे और नीचे का जो सिलाई होता है वो करके एक पूरा हम तैयार कर लेंगे खाका। तो पहले साइड से हम सिल लेते हैं, चलिए इस तरीके से साइड से ये इस तरीके से हम सिल लेंगे और इधर भी हम सिलाई चला लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों तरफ सिलाई चला लेते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। अब सेम सिलाई साइड में दूसरी साइड भी हम चला लेंगे। अब हम जो नीचे दोनों पैरों को अलग अलग जोड़ते हैं सेंटर से सिलाई स्टार्ट करके, वो वाला भी काम कर लेंगे। पूरा एक स्ट्रेट पार्ट हम तैयार कर लेंगे, बाद में बस बेल्ट वाला काम रहेगा। तो यहाँ सेंटर से स्टार्ट करके हम एक तरफ चले जाएंगे, मतलब एक पैर जोड़ लेंगे, उसके बाद फिर से सेंटर से स्टार्ट करके हम दूसरे साइड चले जाएंगे। तो देखिए ये नीचे वाला पार्ट बिल्कुल लगभग बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए नीचे वाला पार्ट भी सिल गया है हमारा, इस तरीके से फिटिंग हो चुकी है, साइड से भी हमारा सिल गया है। अब ऊपर सिर्फ बेल्ट वाला काम है तो वो हम कर लेंगे। इस तरीके से पहले सीधा कर लेंगे हम अपने पैंट को,
उसके बाद इसमें जो बेल्ट वाला काम है वो करेंगे। अगर आप मेरे प्लाजो की वीडियो जानते हो, देखते हो, तो आपको पता होगा मैं बेल्ट कैसे लगाती हूँ। तो ये देखिए, हमने इसको सिल करके एक सर्कल में बना लिया है। अब इसको हम अपने बॉटम के साथ अटैच कर लेंगे। तो पहले पिन लगा लिया हमने, अब इस पर पक्की सिलाई चला लेंगे। तो पक्की सिलाई चलाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे, सेंटर में थोड़ा सा जगह छोड़ के सिलाई चला लेंगे किनारे किनारे पक्की। तो इस तरीके से ये भी करके मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा जल्दी मैं करी क्योंकि आपको मैंने कई बार बेल्ट लगाना, इलास्टिक डालना बताया है। तो सेंटर में ये जो जगह हमने छोड़ी है, यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे अपने। तो लगभग जो भी आपका वेस्ट आपने लिया है उससे 12 इंच कम अगर आप लेते हैं तो आपका अच्छा वाला इलास्टिक हो जाता है। बट यहाँ पे कई लोगों का होता है कि पेयर शेप बॉडी होती है जिसमें उनका वेस्ट तो बहुत पतला होता है लेकिन हिप और थाइस हैवी होते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने डबल एक्सल के हिसाब से बनाया है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जिसका लोअर डबल एक्सल के हिसाब से पर वेस्ट बहुत कम है, तो बस आपको यहाँ क्या करना है, इलास्टिक कम कर देनी है। 14 इंच कम करके इलास्टिक रखनी है। इलास्टिक डालने के बाद इसको हम आपस में सिल के अंदर कर देंगे और खुला वाला पार्ट बंद कर देंगे और ये हमारा ऊपर का इलास्टिक वाला काम हो जाएगा। अब बस सिंपल नीचे का काम बचा है। अगर आपने ज़्यादा कपड़ा लिया है तो बड़ा सा डबल फोल्ड करके आप हेम कर दीजिएगा, जिससे हेम करने से बहुत अच्छा लुक आता है। नहीं तो आप डबल फोल्ड करके सिंपली सिलाई चला लीजिएगा, आपका ये पैंट बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए मेरा ये पैंट बिल्कुल बन के तैयार हो गया है और बहुत अच्छा है। आप बनाओगे, आई होप आपका बहुत अच्छा बने, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। और ये अभी बहुत फैशन में है तो आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आप बनाओगे, आपका बहुत अच्छा बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।